देखिए MUPS अकोला न्यूज, हर खबर आपके सामने। MUPS अकोला न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सोमवार 5 मार्च शाम 7 बजे निकाला गया कैंडल मार्च। अली पब्लिक स्कूल में जो घटना घटी, जिसकी वजह से अहमद रजा नामी बच्चे की मौत हो गई, उस बच्चे के घर वालों ने अपना इंसाफ पाने के लिए फतेह चौक पर कैंडल मार्च रखा, जिसमें काफी संख्या में लोग जुड़ते हुए दिखाई दिए। बच्चे के पिताजी का कहना है कि उनके बच्चे के साथ जो हुआ वो दूसरे बच्चों के साथ ना हो, इसलिए उन्होंने इंसाफ की ये लड़ाई शुरू की और ये कैंडल मार्च निकाला। मैं अकेला था अभी तक, और आज ये आप सब मुझसे जुड़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे बच्चों को इंसाफ मिलेगा। ये लोग मुझे बहुत डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अलग अलग शैतानी तरीके से मुझे उकसा रहे हैं कि केस वापस ले ले, मगर मैं आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ते रहूंगा। मेरा बेटा तो मर गया, मेरा बेटा वापस आने से नहीं रहा। मैं ये जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगले बच्चों के साथ किसी के साथ ना हो, इसलिए मैं जंग की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये मुक्ति हो चाहे कोई भी हो, मैं किसी से नहीं डरने वाला। ये पुलिस भी आगे कार्रवाई नहीं बढ़ा रही है, मेरे बच्चे का हिसाब मुझे मिल रहा नहीं है। मैं कलेक्टर ऑफिस भी गया, निवेदन पत्र दिया, फिर भी मेरा केस आगे नहीं बढ़ रहा है। ये बड़े लोग हैं, अच्छे अच्छों को खरीद सकते हैं, ये मगर एक गरीब को नहीं खरीद सकते हैं। क्या मैं दिख सकता हूँ? ये लोग बोल रहे हैं क्या तेरे बच्चे को भेज दे, मैं कैसा भेज सकता हूँ? कोई बाप अपने बच्चे को भेज सकता है क्या बच्चे के? ये कैंडल मार्च फतेह चौक से ओपन थिएटर गांधी रोड होते हुए सिटी कोतवाली पहुंचा। सिटी कोतवाली पर बच्चे की मकफिरत के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद एहसान के साथ सईद खान की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत विशेष महान। MUPS न्यूज चैनल पर चल रहे ग्राम पंचायत विशेष न्यूज को देखकर लोगों की समस्या देख वार्ड नंबर 1 के ग्राम पंचायत सदस्य नाजिरा बी अफसर खान ने खुद के पैसों से वार्ड नंबर 1 में पानी का इंतजाम कर ट्रैक्टर से पानी पहुंचाकर वार्ड के लोगों की समस्या हल की। MUPS न्यूज चैनल वार्ड नंबर 1 में पहुंच चुका है और यहां के गरीबों को पानी बांटा जा रहा है। नाजिरा भी ग्राम पंचायत सदस्य अफसर खान, इनके तरफ से ये पानी बांटा और ये गरीबों को पिला रहे, और ये इनकी समस्या है कि वो यहाँ के लोगों को जब लोगों लाइन आती नहीं और जब लोगों लाइन चालू होती नहीं तो हम पानी पिलाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ MUPS चैनल का, कि जो आप हमारे वार्ड के अंदर आए और हमारे वार्ड के हालचाल जानने के लिए और तमाम हजरत को मालूम कराने के लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं। क्या जो नागरिकों को गवर्नमेंट लाभ नहीं मिल रहा, उस लाभ का ये फायदा उठा पाए। और मैं नाजिरा बी अफसर खां, वार्ड क्रमांक 1 इनके सदस्य का लड़का हूँ मैं, और मैं ये कोई बड़ा काम नहीं कर रहा इन्हें पानी पिला के, इनका हक दे रहा मैं, क्योंकि इन्होंने बड़ी बरसात में मेरे मम्मी को वोट दिए। कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ इन पे मैं, इनका आज वो हक अदा करने का वक्त आया, इसलिए मैं इनको पानी दे रहा हूँ। और हमारी ग्राम पंचायत में खुद मेरे वार्ड क्रमांक 1 से मेरे मम्मी ने वसूली 2 बार दिए, इस गरीब तबका है ये वार्ड के अंदर, तो भी एक बार 65,000 रुपए दिए, दूसरी बार जमा करे 46,000 रुपए दिए, टोटल ऐसा 1,06,000 रुपए का हुआ इस वार्ड से, तो भी इस वार्ड को पानी का लाभ नहीं। आप देख पा रहे हैं कैसे औरता, कैसे आदमी, कैसे बच्चे काम धंधे छोड़ के इस पानी को बड़े तकलीफ से भर रहे। और इस ग्राम पंचायत को, मैं भी एक ग्राम पंचायत का, मेरी मम्मी इसकी सदस्य है और एक हिस्सा है, लेकिन इस ग्राम पंचायत में ऐसा कोई विकास का काम नहीं हो पा रहा कि जिससे आम नागरिकों को इसका लाभ मिल पाए। और देख सकते तुम, ये काफी बड़ा मोहल्ला है लेकिन यहाँ कोई समस्या नहीं है पानी की, ऐसे के बावड़ी है कि चलो यहाँ पे नदी है, हफ्सी है, बड़ी दूर दूर तक के पानी है, कोई समस्या नहीं है पानी का, ऐसा कोई हल करने वाला नहीं है। अब हमारी तरफ से जो भी कोशिश हो रही, इंशाल्लाह जब तक के नल बंद है तब तक के मैं पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से इन लोगों को पानी पिलाऊंगा और अपने खुद के पैसों से। मैं इतनी गुजारिश कर सकती हूँ कि नाजिरा भी हमारे वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर की एक मेंबर, ये 15 दिन से हमको पानी पिला रहे पूरे गाँव को,
एक नंबर वार्ड की जो नाजिरा भी है अफसर खां पूरे महल्ले को, आज हमारे गांव के अंदर धरन होने के बाद में हमको पानी नहीं है, हमको गड्ढे का पानी अभी तक के पिलाया उन्होंने, अब एक महीना होते हुए आ रहा हमको पानी का बूंद नहीं है। न्यूज चैनल आज 3 नंबर वार्ड में आ चुका है और उसके बाद में ये प्रक्रिया मांगता है कि भाई यहाँ साफ सफाई होती है, पानी है, मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में अनु पटेल ये बताने वाले हैं। ग्राम पंचायत अंतर्गत नाली सफाई जो आज तक नहीं हुई, 2 साल में कम से कम 50 से 1 लाख तक का बिल ग्राम पंचायत ने ले लिया, लेकिन नाली सफाई कभी करते नहीं। जो नाला है उतना देने पर अगर विनंती करने पर भी वो लोग ग्राम पंचायत कुछ केयर लेती नहीं और सफाई भी करती नहीं। सफाई कामगार के बारे में बोलूँगा, बाज़ार में सफाई कामगार सिर्फ हफ्ते में एक बार आता, उसको 200 रुपये देते, उसके नाम पे 1,000-1,200 रुपये कम से कम 6,000 रुपये महीने का बिल निकालते। उसको हमने पूछा तो वो बोले सिर्फ 200 रुपये हमसे मिलते हफ्ते में एक बार, सया कोरे कागज से ले लेते पैसे, सिर्फ 200 रुपये देते। अब देखिए बारसी टाकली नगर पंचायत विशेष MUPS न्यूज चैनल पर चल रहे नगर पंचायत विशेष में चल रही न्यूज में हर महल्ले और वार्ड से हमारे रिपोर्टर इरफान अहमद शेख ने हर समस्या आप तक पहुंचाई है और नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी नंदू परड़कर साहब से बातचीत की। देखिए क्या कहते हैं CO साहब। MUPS न्यूज चैनल आज नगर पंचायत में पहुंचा है और CO साहब से ये जानना चाहता है कि उन्होंने क्या क्या विकास के काम किए, तो आइए हम उनसे मिलते हैं और सुनते हैं उनकी जबानी कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या नहीं किए। भारतीय डाक जी में आप जब से यहाँ पे कार्यरत हैं तो आपने क्या क्या विकास के काम किए बाबू? जब से मैं आया हूँ इतनी प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद या स्टाफ कर बनने के बावजूद और जो है अपना ग्राम पंचायत का स्टाफ है उसके बावजूद भी हमने हमारी तरफ से जितना भी हो उतना काम किया और गांव में पहले लाइट दिए थे, हमने LED लाइट लगाए थे, हाथ पंप दुरुस्त किए थे और जो रोड रास्ते नाली के नए पान काम है वो अब आप ही देख रहे हैं वो काम चालू है। सर आपके पास में जो है तो नाली की सफाई करने के लिए मजदूर कम पड़ रहे हैं, लेकिन आपने उसकी मांग की है कि सर वहाँ के कर्मचारी हमारे को बढ़ा के? हाँ मांग की है, लेकिन आपूर्ति बंद मंजूर होने के नहीं होने के बावजूद इसीलिए वो हमको मिल नहीं रहे। जो आपूर्ति बंद मंजूर है अपना उसमें एक ही सफाई कर्मचारी का पद मंजूर नहीं है, जो ग्राम पंचायत के कर्मचारी थे अपने वही कर्मचारी अब काम कर रहे हैं। हैंडपम्पों की सर टोटल दुरुस्त हो चुकी है गाँव के अंदर, जो हैंडपम्प है सर टोटल दुरुस्त हो चुकी है, उसमें से जो हैंडपम्प बंद है वो पानी नहीं होने के कारण बंद है, लेकिन ज़्यादातर जो चालू है पंप जहाँ जिस पंप में पानी है वो अभी चालू है। अगर कोई हैंडपम्प तभी भी बंद है पानी होने के बावजूद तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, नए पास हैंडपम्प जो पाइप लाकर उसमें डाल रहे हैं। उसके अलावा सर जो जहाँ पे अभी नालियों की जो साफ सफाई कर रहे हैं सर उसके लिए कूड़ादान आपने जो उसको डालना चाहिए सर वहाँ तक के नहीं पहुँच पा रहा, वो जगह पर ही आपके मजदूर छोड़ के आ रहे हैं, उसके बारे में आपने मजदूरों से बात की है जैसे और ट्रैक्टर के कुछ सब वो किए थे यहाँ पे? हाँ अपने निधि अपने पास निधि कम कर रहा है उसी कम होने के कारण इतना अपना जितना बजट है उसमें हम एडजस्ट करके कर रहे हैं और हमको बॉडी नहीं होने के कारण जो 14 युक्त आएंगे तो पैसे नहीं मिले हैं वो अभी अपना रिजल्ट आया है, अब बॉडी जब बैठेंगी तब हमको 14 युक्त आए के पैसे मिलेंगे। 14 युक्त आए के पैसों की खासियत ये है कि उसमें से 50% हिस्सा हम सिर्फ स्वच्छता के काम पर खर्च कर सकते हैं, तो जब अपने पास वो पैसा आएगा तब ऐसी हालत नहीं दिखेगी, उसमें ज़्यादातर पूरा अपना बारसी टाकली शहर साफ सुथरा दिखेगा ऐसा बोल सकता हूँ।
सर उसके अलावा जो जिस जहाँ पे पानी टंकी ज़्यादा है तो ये नगर पंचायत की तरफ से कोई नए हैंडपम्प वहाँ पे खुलवा सकते हैं? जिधर पानी हैंडपम्प पानी टंकी सही है उसमें हम एक आरा खड़ा तैयार करते हैं, वो मंजूर होने के बाद पानी टंकी की समस्या को धन्यवाद। विष्णु दाबाड़े राहणार महात्मा फुले नगर बार्शी टाकळी दलित वस्तीमध्ये राहतो आहे। गेले 15 वर्षापासून मी इथं राहतो, पण जो हा दलित वस्तीचा जो रोड आहे या इथं नगरपंचायत जो अधिकारी आहे यांनी माझा दलित वस्तीमधून मला सोडून दुसऱ्या इतरत रोड त्यांना टाकलेला आहे, तरी मला या रोडपासून वंचित ठेवले आहे। MUPS या चॅनलच्या निमित्तानं मी हे वर म्हणजे अर्ज करीत आहे, तरी मला या रोडची रोड होण्याबाबत यासाठी मी विनंती करीत आहे, तरी माझी या तरकारची हे करण्यात घ्या। MUPS अकोला न्यूज चॅनल को देखने के लिए लाईक करे, शेअर करे और सबस्क्राईब करना ना भूले।